प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है हर घर पाठशाला में। तो हमारे 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज कलर मोड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कलर मोड्स एंड हाउ कैन कन्वर्ट द कलर मोड्स। ठीक है, कलर मोड क्या है, कितने टाइप के हैं, कितनी तरह के हैं और उनको हम कैसे दूसरे कलर मोड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अ कलर मोड डिटरमिन द कलर मॉडल व्हिच इज यूज्ड टू डिस्प्ले एंड प्रिंट इमेजेस। ठीक है, कलर मोड डिटरमिन करता है उस कलर मॉडल को विच इज यूज टू डिस्प्ले, जो इस्तेमाल किया जाता है डिस्प्ले एंड प्रिंट इमेजेस, इमेजेस को डिस्प्ले और प्रिंट करने के। ठीक है, वी कैन कन्वर्ट द इमेज कलर मोड्स बाय क्लिक ऑन इमेज मेनू एंड कैन कन्वर्ट द डिफॉल्ट इमेज कलर मोड इनटू वेरियस कलर मोड्स। ठीक है, तो अगर मान लो हमने किसी इमेज का कलर मोड बदलना है तो हम क्या करेंगे, we can click on image menu and can convert the default image color mode into various color modes। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, image menu पे जाएंगे और उसके अंदर तरह तरह के color modes available हैं। वहाँ पे हम default image का जो color mode आ रहा होता है उसको हम तरह तरह के colors mode में convert कर सकते हैं। तो ये नीचे दिए हैं सारे के सारे color modes। ठीक है, HSV है, hue saturation, brightness mode है, RGB है, red green blue color mode है, third cyan magenta yellow और black color mode है, lab color mode है, grayscale mode है, bitmap mode है, due tone mode है, indexed mode है और multimedia mode है। तो इन सारे के सारे modes को हम practically करके देखते हैं। तो चलिए चलते हैं Adobe Photoshop के अंदर। तो हमारा जो Adobe Photoshop है वो हो गया ओपन। ठीक है, हम यहाँ पे नई इमेज ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल इस इमेज को। ठीक है, अब इस पे हम ट्राई करते हैं। तो जो अभी आ रहा है इमेज का कलर मोड, डिफॉल्ट कलर मोड जो है वो ये वाले हैं, RGB है, 8-bit चैनल का है। ठीक है, अगर मान लो इस मोड को हमने किसी दूसरे मोड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बिट मैप जो है वो डिसेबल आ रहा है। ये बिट मैप काम करता है ग्रे स्केल के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लो ग्रे स्केल में हमारी जो इमेज है वो हो जाती है ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारा जो है बिट मैप मोड जो है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये है बिट मैप मोड और दूसरा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो फिर मैं वापस जो है स्ट्री पैलेट में जाके फिर वापस जहाँ से हमने इमेज को ओपन किया था, जिस जहाँ पे ये इमेज जो थी हमारे पास एक फ्रेश इमेज थी, ये दोबारा वहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, तो अब हम दूसरे मोड्स को ट्राई करके देखते हैं। मैं फिर इमेज मेनू पे गया, फिर मोड पे गया। ठीक है, यहाँ पे ये ड्यू टोन भी इसके ऊपर ही काम करता है। इसके बाद जो है इंडेक्स कलर मोड है। ठीक है, इंडेक्स कलर मोड में थोड़ा सा जो इमेज में फर्क पड़ता है वो सामने नजर आ ही रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम ट्राई करते हैं, मैं इसको कर रहा हूँ अंडू। ठीक है, मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट कलर मोड पे। तो नेक्स्ट कलर मोड जो है RGB है, जो अभी सिलेक्टेड है डिफॉल्ट। ठीक है, अब मैं CMYK यानी कि cyan magenta येलो और ब्लैक मोड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला वो मोड है। अब नेक्स्ट मोड हम ट्राई करके देखते हैं, मल्टी चैनल मोड। इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है इमेज के ऊपर। ठीक है, तो ये तरह तरह के कलर मोड्स हैं जिसमें हम इमेज की एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सिलेक्शन मेकिंग। हम किस तरह से सिलेक्शन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, डिफाइन करें सिलेक्शन मेकिंग को। A selection allows you to select specific areas or part of pixels of images and apply different effects on images such as copy, move, paste, save, etc. ठीक है, मतलब कि selection करना, किसी भी image के अंदर किसी object को select करने को हम बोल रहे हैं selection making। तो selection making हमें क्या allow करती है, selection allow you to select, हमें allow करती है, आपको allow करती है to select specific area, खास areas को, या पार्ट्स और पिक्सल्स ऑफ इमेज, या इमेज के पार्ट्स या पिक्सल्स को सिलेक्ट करना, एंड अप्लाई डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन इमेज, और इमेज के ऊपर तरह तरह के इफेक्ट्स को अप्लाई करना, सच है जैसे कि कॉपी हो गया, मूव हो गया, पेस्ट एंड सेव। ठीक है, तो वो होती है हमारी सिलेक्शन मेकिंग, जिसमें हम इमेज के पार्ट या पिक्सल्स को या पूरी की पूरी इमेज को सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर कॉपी, मूव या पेस्ट या सेव एक्सेट्रा, उसके ऊपर जो भी एडिटिंग वाले काम करते हैं या फॉर्मेटिंग वाले काम करते हैं। ठीक है,
तो सिलेक्शन कैसे करनी होती है, नेक्स्ट आगे वही स्टेप्स दिए हुए हैं। वी कैन सिलेक्ट द पिक्सल्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। हम पिक्सल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। सिलेक्ट द पिक्सल विद मर्की टूल, तो मर्की टूल से हम सिलेक्शन करते हैं इनकी, और राइट क्लिक ऑन इमेज एंड सिलेक्ट ऑल, ठीक है, या फिर इमेज के ऊपर राइट क्लिक करो और सिलेक्ट ऑल करो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एडोब फोटोशॉप में जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है, इसके पार्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो ये है हमारे पास मर्की टूल, ठीक है। या तो हम इसे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर पार्ट ही सिलेक्ट करने हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी और भी टूल्स रहते हैं इसके लिए हमारे पास, ठीक है। और जैसे मान लो मैंने ये स्पेसिफिक पार्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे इमेज के ऊपर एडिटिंग वाले काम करने के लिए, पहले हम इसको कर देंगे यहाँ से अनलॉक, फाइल ओपन, जस्ट ये वाला इमेज, ओके इसको कर रहा हूँ अनलॉक, ओके ठीक है। अब ये मर्की टूल, मान लो इमेज को हमने सेलेक्ट करना है, तो इस तरह से हम सिलेक्शन मेकिंग करते हैं मर्की टूल से, फिर हम इसके ऊपर जैसे कॉपी करना और फिर पेस्ट करना, ठीक है। अब यहाँ से जैसे सिलेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद इमेज एडिट में जाके हम कॉपी करते हैं, ठीक है, या फिर उसके बाद जो है किसी दूसरी इमेज के अंदर जाके फिर इस तरह से उस पार्ट को हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन मेकिंग, तो ये सिलेक्शन मेकिंग जो हमने यहाँ पे की, एक तो मर्की टूल से और दूसरा जो है वो मान लो पूरी की पूरी इमेज को सिलेक्ट करना है तो राइट क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, पहले तो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल, ठीक है, पूरी की पूरी इमेज सिलेक्ट हो जाएगी चारों तरफ से, ठीक है। तो ये है सिलेक्शन मेकिंग जिसमें हम पिक्सल्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मर्की टूल और राइट क्लिक ऑन द इमेज सिलेक्ट ऑल ऑप्शन। वी कैन डी सेलेक्ट द पिक्सल बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर मान लो हमने उन्हीं पिक्सल्स को डी सेलेक्ट करने हैं तो राइट क्लिक ऑन इमेज एंड सेलेक्ट डी सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो डी सेलेक्ट की होती है। जैसे मान लो हमने राइट क्लिक किया यहाँ पे, ये देखो डी सेलेक्ट, तो इस मतलब यहाँ से इसको अनसेलेक्ट करना है, डी सेलेक्ट करना, सिलेक्शन को दोबारा से डी सेलेक्शन कर देना, ठीक है, डी सेलेक्ट कर देना, हटा देना। जैसे यहाँ पे मैंने ये पार्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, राइट क्लिक किया, डी सेलेक्ट कर दिया, हमारा सिलेक्शन जो वो हट जाए, ठीक है, डिसलेक्ट हो जाएगा। वी कैन रीसेलेक्ट द पिक्सल बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। हो रहे हैं कि हम दोबारा से पिक्सल को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, राइट क्लिक ऑन इमेज एंड सिलेक्ट रीसेलेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, ठीक है, फिर मैं इसको कर रहा हूँ डिसलेक्ट, फिर राइट क्लिक कर रहा हूँ और नीचे जो आ रहा है ये देखो रीसेलेक्ट, ठीक है, तो रीसेलेक्शन के लिए सेम वैसे। How can we move a selection? हम एक किसी selection को move कैसे कर सकते हैं? The steps to move a selection are: click Marquee tool, Marquee tool के ऊपर click करेंगे and select the image area or pixels that you want to move. ठीक है? तो Marquee tool की help से हम क्या करेंगे? Select the image area. Image का जो area है, जो हम चाहते हैं image का part select करना, उसको select करेंगे, जिसे हम move करना चाहते हैं, that you want to move. Now click on move tool in the toolbox. उसके बाद हम toolbox में move tool के ऊपर जाएंगे। थर्ड स्टेप में नाउ वी कैन मूव द सिलेक्शन बाय माउस क्लिक। उसके बाद जो है हम सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस क्लिक, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे जैसे ये है, मैंने मर्की टूल को क्लिक किया, पहले मैं इस सिलेक्शन को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ठीक है, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। अब मूव करने के लिए ये मूव टूल का यूज करेंगे, ठीक है, ये देखो मूविंग के लिए, ठीक है, ये मूव टूल का काम होगा स्पेसिफिक पार्ट को मूव करना, ठीक है। हाउ कैन वी हाइड और शो सिलेक्शन एजेस। हम सिलेक्शन एजेस को कैसे हाइड और शो कर सकते हैं? द स्टेप्स टू हाइड और शो सिलेक्शन एजेस आर। अगर हमने सिलेक्शन एजिस को हाइड करना है या शो करना है तो कैसे कर सकते हैं? क्लिक ऑन व्यू मेनू, व्यू मेनू के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक ऑन व्यू मेनू शो, ठीक है, उसके बाद ये जो व्यू मेनू है वहाँ पे शो वाली जो ऑप्शन होगी, इसमें सिलेक्शन एजिस जो है वो तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास जो है वो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ पहले सिलेक्ट ऑल, ठीक है सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ, या फिर यहाँ से स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे व्यू मेन्यू में, ठीक है व्यू मेन्यू के अंदर जो है हमारे पास ऑप्शन रहेगी यहाँ पे एक्स्ट्रा वाली, ठीक है यहाँ पे एक्स्ट्रा को ऑन किया हुआ है, तो एक्स्ट्रा की ऑप्शन को ऑन करते ही बी मेन्यू शो और सिलेक्शन है जिस वाली जो ऑप्शन है, ये देखो सिलेक्शन एजेस, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये देखो सिलेक्शन एजेस जो वो यहां से चली जाएंगी, ये देखो यहां से जो सिलेक्शन की जो एजेस हैं वो चली जाती हैं, फिर शो के अंदर जाके फिर यहां पे ये इसको फिर से हटा रहा हूं या फिर एक्स्ट्रा वाली ऑप्शन को हटा रहा हूं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के लिए जो क्वेश्चन थे इतने काफ़ी थे, ठीक है तो कल मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक सभी घर पर रहें सुरक्षित रहें, जय हिंद जय हिमाचल।